हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वार्म वेलकम इन दिस फर्स्ट सेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच आप सभी को नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ये पहली क्लास है हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच नंबर सिक्स गुड मॉर्निंग एवरीवन एक बार मुझे बता दीजिए आवाज़ मेरी आप तक क्लियर पहुंच रही है आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली इज एवरीथिंग ऑल राइट रिसेप्शन बिल्कुल अच्छा है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन विकास आरती नवरत्न कुंदन विखी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यूट्यूब पे भी जा रहा है लाइव ये और करियर विल ऐप पे भी लाइव है चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड डिटेल्स आपको इस बैच के बारे में जो है वो करियर वेल ऐप पे अपलोडेड है राइट एक पंद्रह मिनट का वीडियो है जिसमें इस बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं बैच के बारे में डिटेल्स बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा लास्ट के पाँच दस मिनट हम बैच के डिटेल्स के बारे में बात कर लेंगे अदरवाइज सारी की सारी डिटेल्स करियर विल ऐप पे कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल सिक्स बैच में जाएंगे आप वहां पे बैच डिटेल्स में अपलोडेड है ठीक है तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था ट्वेंटी सिक्स को ही राइट right? और आज हमारा ट्वेंटी नाइन है नाइन है और हम क्लास शुरू कर चुके हैं देखिए कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच की जब हम बात करते हैं तो आप इससे क्या समझते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अपने आप में एक यूनिक बैच है जो मैंने शुरू किया था और इसका पर्पज बहुत क्लियर है सबसे पहले क्लैरिटी ये ले लेना कि कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच का मतलब आपकी आपके वो सारे क्वेश्चन टाइप्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि यहां पे सिर्फ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसे हम आरसी कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी रीडिंग स्किल्स और उसके समझ के आधार पे चार टॉपिक्स जो हैं वो लगभग हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो चार टॉपिक्स कौन कौन से हैं भाई पैरासिम्बल्स हैं जिनको कई बार एस के जो स्टूडेंट्स हैं स्पायरेंट्स हैं वो कहते हैं कि पी क्यू आर तो A आर एस एबीसीडी कुछ भी हो सकता है और आपको अरेंज करना होता है यह भी आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की ही टेस्टिंग है यह आपके रीडिंग प्रोवेस की टेस्टिंग हो रही है यहां पे कि क्या आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के सेंटेंसेस के ऑर्डर को समझ पा रहे हैं कि कौन सी बात कब आनी चाहिए दूसरा जो क्वेश्चन टाइप होता है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ही है उससे कोई इनकार नहीं है और अगेन आप देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा शुरुआत हुई छठी क्लास से शुरू हो जाता है ये जिसको बच्चे अनसीन पैसेज कहते हैं और इसका साथ बिल्कुल टॉप लेवल एग्जाम्स तक भी नहीं छूटता अभी यूपीएससी के रिजल्ट आए आपको पता है सी के अंदर इंग्लिश में सिर्फ पैसेजेस ही पूछे जाते हैं छोटे छोटे पैसेज होते हैं कई बार उनके अंदर उनको समझना मुश्किल होता है आप बात करो कैट जेट आई की इन एग्जाम्स में सिर्फ पैसेज ही पैसेज आपको दिखाई देते हैं तो मतलब नीचे छठी क्लासेस शुरू होकर के टॉप लेवल एग्जाम्स तक क्या कारण है कि आर पूछी जाती है ऐसी क्या खास बात है कि मतलब जो पेपर सेट करने वाले हमारे लोग हैं उनको क्या आपके बारे में जानकारी इस क्वेश्चन टाइप से मिल जाती है तो आर हर जगह पूछा जाता है क्या फर्क आता है कैसे आता है उसके बारे में बात करेंगे हम फिर बारी आती है फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट की फिलर्स जो वोकेबलरी बेस्ड फिलर्स होते हैं उनमें अगेन आपकी रीडिंग स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए सो so दैट कि आप उस सेंटेंस को पढ़ करके समझ पाए कि मुझे किस तरह का शब्द चूज करना है अगर आपको वो सेंटेंस ही नहीं समझ आ रहा या वो क्या आपके जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसकी टोनैलिटी नेगेटिव है देन आई नीड अ नेगेटिव कॉनोटिंग वर्ड या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉनोटिंग चाहिए हाई डिग्री चाहिए माइल्डर चाहिए तो ये सब भी रीडिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही आप इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स को कर सकते हैं यानी इस बैच के अंदर ये चारों टॉपिक जो है हमारे पैरासिम्बल्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड मैनर में राइट right? तो अभी बस मैंने टॉपिक के बारे में बात की है बाकी क्वेश्चंस ये सब की डिटेल आपके पास पड़ी हुई है अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन किसी भी एग्जाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि भाई इसका क्या महत्व है यानी कॉम्प्रिहेंशन शब्द जन्म कहां से लिया है भाई कॉम्प्रिहेंड से कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना है वो वर्ब है और वहीं से ये नाउन बन जाता है कॉम्प्रिहेंशन अब जरा इंपॉर्टेंस समझो सीधा अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और हाँ आज इस सेशन के लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊंगा एक वो स्टूडेंट जिसने सीजियल एटीन में ऑल इंडिया टू जीरो वन रैंक ली है और वो मेरे सीजियल मीनस के बैच में थी और उन्होंने क्लियरली मैसेज ये लिखा था जब बैच को ज्वाइन किया था कि मैं सर इस नंबर पे हूं और इसीलिए मैंने आपका ये बैच ज्वाइन किया है कि मुझे वो गैप पूरा करना जो ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते और उन्होंने वो बैच वो गैप पूरा भी किया और सेलेक्शन भी लिया तो उनके मैसेज को भी मैं दिखाऊंगा सो so देट आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आए कि कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है अब आप देखो मैं सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं पहले जो भी आपके एस के एग्जाम है उन सभी में ये चारों सेक्शंस पूछे जाते हैं और अगर मैं सीधा सीजियल मेन्स के हवाले से बात करूं तो आपको पता है कि आपका पेपर जो है फोर्टी पेपर सीधा इन्हीं चारों टॉपिक से आता है फोर्टी यानी 200 क्वेश्चन में करीब 80 के करीब क्वेश्चन इन्हीं चारों टॉपिक से आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तीस नंबर आपका जो क्लोज टेस्ट है पच्चीस उसके बाद पैरास बीस बाईस वेरी करता है थोड़ा बहुत और फिलर के अंदर आपके पास पांच ही नंबर के आते हैं यानी एग्जैक्टली एटी मार्क्स आपके इन चारों टॉपिक के पास हैं और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को और यह स्टूडेंट्स का भी होगा कि भाई आप जो है कॉम्प्रिहेंशन में अगर कमांड कर लें तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपको एक एज मिल जाती है क्योंकि ज्यादातर बच्चे जिनकी इंग्लिश का एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं होता इन टर्म्स ऑफ रीडिंग उनको जाहिर तौर पर इस सेक्शन में दिक्कत आती है उन्हें लगता है कि नहीं ग्रामर के सेक्शन को तैयार कर लो वहां से हम खींच लेंगे लेकिन कितनी गाड़ी खींच पाओगे आप अगर ये एरिया आपका वीक है तो आपकी गाड़ी एक लेवल पे जाकर के रुक जाती है आप एक सौ पैंतीस एक सौ रुक जाओगे जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम अक्षिता अग्रवाल है जिनके मैसेज को मैं लास्ट में दिखाऊंगा उन्होंने मैसेज में लिखा सर लास्ट सीजन में मेरे वन सेवन टू पॉइंट समथिंग उनके मार्क्स थे और उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी कि सर मुझे वही एक्स्ट्रा पूरा किया तो ये जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली बिल्कुल टॉप लेवल पर लेके जाता है जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नहीं मेरी इंग्लिश वीक है मुझे सारी जो कोशिश करनी है वो सिर्फ ग्रामर के ऊपर करनी है तो भाई ग्रामर का भी एक लेवल है ना ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं आपके एयर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट राइट वॉयस और नरेशन इनको मिलाकर के नरेशन आपके 47 मार्क्स के हो गए वो 20 20 क्वेश्चन और हो गए तो कितना खींच पाओगे अब मान लो उसमें तुमने वो कैब भी कुछ वो uh, कैब की भी कोशिश कर ली तो भी जाकर के गाड़ी 120 25 30 40 पर रुक जाती है तो हम सभी को ये कोशिश करनी है कि इस गैप को हम पूरा करें और ये सेक्शन जो है ये आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है ये डिसाइड करता है अब आप खुद ही समझ लो किसी एग्जाम का अगर फोर्टी परसेंट ऑफ पेपर जो है वो सीधा सीधा इस सेक्शन से आ रहा है तो जाहिर तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हल्का सेक्शन नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको हल्के में लेते हैं या उन्हें यह कई बार लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है टाइम टेकिंग है इतने लंबे लंबे पैराग्राफ हैं कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे चाहे आप मेरे इंग्लिश स्पेशल बैच में हो वहाँ पे भी हम सॉल्व करते हैं सीजीएल मेंस के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता हूँ या कॉम्प्रिहेंशन में रहे हो सीजीएल मेन्स के पैराजल्स के क्वेश्चन भी पांच से दस सेकेंड में सॉल्व हो सकते हैं बस आपको उन टेक्निक उन अप्रोच का पता होना होता है और प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना होता है कि आपकी आंखें और आपका दिमाग भी थोड़ा ट्यून हो जाए कि, कि किस तरीके से हमें कम समय में ये चीज़ें देखनी है अब देखो एसएससी के सारे एग्जाम्स आ गए इसमें मैंने बस सीजीएल का एग्जाम्पल लिया है सभी एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं अब आइए बैंकिंग के पेपर में अब आपको पता है कि बैंकिंग के भी जो एग्जाम्स हैं उनमें कॉम्प्रिहेंशन का बोलबाला ज्यादा है जो भी है चाहे वो आपके क्लर्क का पेपर है पीओ का पेपर है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पेपर है हर जगह आपको इंग्लिश के सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन की ही टेस्टिंग करी जाती है कि लैंग्वेज की आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और यहां पे अ वैरायटी ऑफ वेज हैं जिसके थ्रू आपके लैंग्वेज के अंडस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हैं जैसे हम फिलर्स की बात करें तो फिलर्स एस एस सी सी में लिमिटेड है दो ही देखने को मिलेगा सिंगल ब्लैंक का और डबल ब्लैंक का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है और ऊपर से ज़्यादातर जो चंक आते हैं फिलर्स के एस एस सी के अंदर वो आपके किसके ऊपर बेस्ड होते हैं ग्रामर के ऊपर बेस्ड होते हैं लेकिन वहीं बैंकिंग के अंदर जो फिलर्स की वैरायटी है वो पाँच से छः टाइप्स तक पूछी जा सकती है वहां आपके लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को वो टेस्ट करते हैं और वो कैब बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलते हैं तो बैंकिंग के जो भी स्पेरेंट हैं उनके लिए ये बैच बहुत बेनिफिशियल है इस बैच से आपकी काफी हद तक तैयारी हो जाएगी इवन अगर आप एक न्यूज़पेपर रीड करने वाले शख्स हैं जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं और ये बैच आप ले लें तो आप इंग्लिश के सेक्शन को काफी हद तक अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली अब बारी आती है बाकी के आपके यूपीएससी के एग्जाम की इसके बारे में भी बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे आपको पता है कि भाई यहां पे भी आप चाहे आई की बात करो एस की बात करो हर जगह है आरबीआई की बात करो कोई ऐसा पेपर नहीं है जहां पे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन ना हो यूपीएससी में सीसे आपको पता है सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे पैसेज राइट वहां से भरपूर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसके बाद आप इसी में एनडीए और सीडीएस की बात कर दें तो आपको पता है कि इन एग्जाम्स के अंदर भी ये चारों टॉपिक पूछे ही जाते हैं राइट तो ये चारों टॉपिक पूछे ही जाते हैं उसके बाद आप बात कर लीजिए जो हमारे टीचिंग के एग्जाम्स हैं टीचिंग वाले एग्जाम्स के अंदर भी आपको पता है कोई भी एग्जाम आप राइट करते हो हर जगह आर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं चाहे वो केवीएस का है डी ट्रिपल एस है राइट टेट है जो भी टीचिंग एग्जाम्स के स्परेंट हैं आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आप क्या भी पूछे जाते हैं तो कहने का मतलब कि यह पर्टिकुलर बैच एक ऐसा बैच है जो किसी भी तरह के एग्जाम को आप राइट कर रहे हो उसके लिए बेनिफिशियल होगा अब इसमें जो मैंने ग्रेडेड पैटर्न में लेके आता हूं उसको भी आप समझ लीजिए बिकॉज हाँ मैनेजमेंट एग्जाम्स ये भी ये छूट गया चलो यहीं पर डाल देता हूँ कैट जैट आई मैनेजमेंट एग्जाम्स में तो खैर पूरा का पूरा ही लेवल जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का ही है अब इसमें फर्क क्या आता है यानी अगर वो क्वेश्चन एक एस एस के एग्जाम में पैराजल का है वो एस एस सी सी जी एल में पैराजम्बल का है या एस बी आई पी ओ में पैराजम्बल्स का क्वेश्चन है राइट या सी सेट की आर है और सी एच एस एल की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो कहने का मतलब टॉपिक तो यही चार हैं लेकिन जिस लेवल का आप एग्जाम राइट कर रहे हो उस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन को क्यूरेट किया जाता है उसमें बदलाव लाए जाते हैं तो यानी हमारी स्टडीज के अंदर भी ये अप्रोच हमें होना चाहिए और क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच है मैं हर तरह के एग्जाम इसमें कवर करता हूं तो इसीलिए इन चारों टॉपिक के अंदर एक ग्रेडेड पैटर्न में हम पढ़ाई करने वाले हैं यानी सबसे पहले नीचे लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत होगी निचले लेवल से मतलब आपको एम टी एस सी उनका सेट कर रहे हो आप राइट उसके बाद धीरे धीरे करके हम लेवल को अपग्रेड करेंगे और जो पिछला कॉम्पिनेशन स्पेशल बैच था ढाई सौ से ज्यादा हमने सिर्फ पैरासिम्बल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे आई थिंक छः से सात सीट्स थी उसकी छः से सात शीट्स में हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें आपको सारा एग्जाम आपका कवर हो जाने वाला है मिसलेनियस मिलता है एनडीए भी है सीडीएस भी है सीएचएसएल भी है फिर सीजीएल का अलग से सौ क्वेश्चन का सेट हमने सॉल्व कर लिया सीजीएल मेंस के सेट का उसके बाद हम फिर ऊपर लेके आते हैं बैंकिंग और मैनेजमेंट एग्जाम्स के क्योंकि अब आपका नीचे का लेवल तैयार हो गया है दिमाग ही तो तैयार करना है इट्स नॉट अबाउट योर एज इट्स ऑल अबाउट योर एज ऑफ योर माइंड एंड ब्रेन यहां पे जब आपकी मेंटल स्टेमिना बढ़ती है मेंटल एबिलिटी बढ़ती है तो जाहिर तौर पे क्योंकि नीचे लेवल से आपने तैयार कर लिया सीधे दसवीं सीढ़ी पे नहीं पहुंचे हो तो आप धीरे 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 जब उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे टॉप लेवल के राइट पैराजम्बल्स के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार नीचे वाले मेरे कोई भी एग्जाम हो कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो नेशनल लेवल एग्जाम हो हर एक एग्जाम में मैं बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूंगा ठीक है तो ये एक तरह से ओवरव्यू था इस बैच की इम्पोर्टेंस का कि कितना इंपॉर्टेंट रोल ये सेक्शन प्ले करता है कुछ मतलब आप ऐसे समझ सकते हो पच्चीस परसेंट से लेकर के पचास परसेंट साठ परसेंट तक जैसे अभी सी की बात करें पूरा ही आरसी है आप कैट की बात कर रहे हो यहाँ पे मैन और बैंकिंग की बात कर रहे हो आरसी का सेक्शन ज्यादा हो सकता हो सकता है प्री में तीस में पंद्रह क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको आई बी में मिल जाए राइट और उसमें कई तरीकों से अलग अलग तरीकों से वो आरसी में ही एरर डिटेक्शन भी पूछ लेते हैं फिलर्स भी चेक कर लेते हैं तो कहने का मतलब कि 25 परसेंट से लेके कुछ पेपर्स के अंदर 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट तक पूरा का पूरा पेपर इसी के ऊपर बेस्ड है जितनी ज्यादा पेपर जितना ज्यादा पेपर का लेवल बढ़ेगा उतने ज्यादा क्वेश्चन से, सेक्शन से बढ़ेंगे क्यों बढ़ेंगे आइए जरा इस डायनेमिक्स को भी समझ लेते हैं वाई कॉम्प्रिहेंशन आखिर इतना प्यार क्यों है पेपर सेटर्स को कि हमें यह नजर आ रहा है कि भाई जैसे जैसे एग्जाम्स का लेवल बढ़ रहा है यानी उन एग्जाम्स को क्लियर करके आप एक डिसीजन मेकिंग वाली प्रोफाइल पर जा रहे हैं आप एक अधिकारी बनने वाले हैं आपको निर्णय लेना है उन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ आपके कॉम्प्रीहशन के ऊपर बेस्ड अभी सीजीएल तो मतलब आपका मासी एग्जाम है डिफिकल्टी लेवल लोवेस्ट होती है एस की उसके ऊपर आई है उसके ऊपर एस है उसके ऊपर आर है उसके ऊपर फिर कैट जेट आई एफ टी है सी सैट है तो कहने का मतलब कि भाई अब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आप आपकी का लेवल बढ़ रहा है आप उन एग्जाम को पास करके जिस जॉब में आएंगे वो जॉब एक बेहतर लेवल की जॉब होगी हायर लेवल की जॉब होगी तो वहां आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को वो टेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं आइए समझ लेते हैं एक फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों प्यार है इससे देखो सबसे पहली बात आपकी रीडिंग स्किल्स को वो टेस्ट करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं ना तो आपकी रीडिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है कि आप रीड कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं अब आइए थोड़ा इस पर भी एक मिनट खर्च कर लें इन पर तो खैर डिटेल मैनर में बात होगी आज पहली क्लास है ओरिएंटेशन क्लास है ध्यान से आपको बातें सुननी है तो रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो आपसे अगर मैं पूछ रहा हूं कि भाई कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो न्यूज को रिलीजियसली एंड रेगुलरली पढ़ते हैं तो मुझे पता है हाथ कम लोगों का खड़ा होने वाला है कम लोग होंगे जो मैंने दो एडवोब यहां पर इस्तेमाल किए हैं रिलीजियसली एंड रेगुलरली दैट रेगुलरलीट हैपन वेरी ऑफन राइट अगर आप एक सीरियस एस्पेरेंट हैं तो शायद आप वो रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं अब फिर सवाल पूछा तो क्यों नहीं करते पता सबको है वी शुड रीड न्यूज़पेपर्स राइट दिस इज द यू नो डिफरेंट रंग ऑफ द लैडर कौन सा अखबार कहां पढ़ना चाहिए तो पढ़ते इसलिए नहीं क्योंकि समझ में नहीं आता यस सर नो बताओ यही तो कारण है भाई ज्ञान तो सबके पास है पढ़ना चाहिए ज्ञान सबके पास है क्यों नहीं पढ़ते क्योंकि पढ़ने के बाद वो चीज समझ नहीं आती जो चीज समझ नहीं आती उसको पढ़ने में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा और टॉपिक का नाम ही क्या है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों बातें समझो आपकी रीडिंग स्किल्स को भी वो टेस्ट कर रहे हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन प्रोबेस को भी वो टेस्ट कर रहे हैं अब रीडिंग में भी अलग अलग लेवल है जैसे आप देखो हिंदुस्तान टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो अखबार हैं जिनका सर्कुलेशन हाईएस्ट होता है उनमें वो पर्टिकुलर सेक्शंस और पेजेज जिसमें थोड़ी हल्की न्यूज होती है इसको हम टेबलाइड न्यूज कहते हैं जहाँ पे मसाले वाली खबरें होती हैं आपको वो पढ़ने में बहुत दिल लगता है अखबार शायद आएगा तो आप डेली टाइम्स एच सिटी ये निकाल के पहले देखोगे ऐसा कम देखने को मिलेगा कि आप सीधा अखबार खोल के उसके बिजनेस सेक्शन में जा रहे हो या इंटरनेशनल न्यूज़ में जा रहे हो ऐसा कम मिलेगा या एडिटोरियल सेक्शन पे आप जम्प कर गए भूखे हैं जैसे अखबार आया मुझे एडिटोरियल पढ़ना है ये आपको ये आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ती बट इन जनरल आपका दिमाग उधर नहीं जाता क्यों क्योंकि हम पढ़ना वो पसंद करते हैं जो हमें आसानी से समझ में आए राइट और अक, जो जैसे मैंने कहा कि आरसी का जब लेवल बढ़ता है तो जाहिर तौर पे वो आपको आसानी से समझ में आए इस बात की गारंटी नहीं है मैंने कई बार मतलब एक लाइन क्लासेस में दी इंग्लिश स्पेशल बैच भी अभी पीछे आया वहां भी मैंने सिर्फ एक सेंटेंस दिया और उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा और हाँ और ना में और पूरी क्लास उसको भी नहीं आंसर कर पाई तो मैं आपको यहां एक सेंटेंस दे सकता हूं जिसका सारे शब्दों का मतलब आपको पता है लेकिन फिर भी आपको बात शायद समझने में मुश्किल हो क्योंकि वो उसके लिए आपको क्रिटिकल रीडिंग अप्लाई करनी पड़ती है वहां आसान बातों को थोड़ा मुश्किल तरीके से लिखा जाता है जो शब्दों की च्वाइस है वो थोड़ी सी आपके लिए क्लिष्ट हो जाती है थोड़ा आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ता है कि ये ये क्या कहना चाहते हैं इसको हम कहते हैं बिटवीन द लाइंस रीडिंग यानी सिर्फ शब्दों में आप इंटैक्ट होकर नहीं रह सकते बिटवीन द लाइंस रीडिंग आपको वहां पे करनी पड़ती है तो रीडिंग अपने आप में एक चैलेंज है और हम इसके बारे में डिटेल्ड मैनर में बात करेंगे कल ही मैं बात करूंगा होपफुली कल क्योंकि अभी इन आपका जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं तो थोड़ा सा बेस वर्क आपको करना है तो कल मैं क्रिटिकल रीडिंग सिखाने की कोशिश आपको करूंगा कि किस तरीके से पैराग्राफ में बहुत सारे बच्चे लेंथ लेकर के डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये इसका लेंथ लंबा है ये पैराग्राफ नहीं करना चाहिए कई बार लेंदी पैराग्राफ आपके लिए आसान होता है छोटा सा पैराग्राफ आपको समझ नहीं आता टी सेट में लंबे पैराग्राफ तो आते नहीं है छोटे छोटे पैराग्राफ मिलते हैं लेकिन उन और उनके ऊपर मुश्किल से एक से या दो क्वेश्चन बेस्ड हैं बट स्टिल आपको वो समझने में दिक्कत होती है वहां पर

Uh, पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर के उन्नीसवीं शताब्दी तक तो शायद आपको रिलेट करने में और उतनी इन्फॉर्मेशन में दिक्कत हो राइट right? आप साइंस uh, बैकग्राउंड के हैं इकोनॉमिक्स के बारे में आ गई फाइनेंस के बारे में इन तरह के वहाँ के जारगंस आ गए तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत पैदा होती तो देर आर लॉट ऑफ बैरियर्स एक्चुअली लॉट ऑफ बैरियर्स इन रीडिंग वी विल डिस्कस ऑल दोज बैरियर्स इन अ वेरी कैटेगोरिकल मैनर और किस तरीके से उसको हैंडल करना है हम उसको समझेंगे तो यानी सबसे पहले आपकी रीडिंग स्किल्स और दूसरी कौन सी स्किल चेक होती है कॉम्प्रिहेंशन स्किल क्योंकि भाई एक बात समझो कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यहां समय ऐसा नहीं कि पूरा समय आपको मिला हुआ है प्रेशराइज सिचुएशन में क्वेश्चन करना है हार्डली तीस से चालीस सेकेंड मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन के लिए कोई भी क्वेश्चन हो अब जैसे मैं बात अभी कर रहा था कि हम सीजीएल मेंस की बात कर रहे हैं तो 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट है आप उतनी गणित लगा सकते हैं 40 सेकंड से ऊपर आप किसी क्वेश्चन में टाइम दे नहीं सकते अगर लग रहा है तो इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन बिकॉज यू हैव नो क्लू कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्या अप्लाई करना है हो सकता है आगे एक क्वेश्चन वेट कर रहा है जो पांच सेकंड में दस सेकंड में सॉल्व हो जाएगा और आपको नंबर दे जाएगा तो कहने का मतलब कि इतने कम समय में हमें ये काम करना है ये इंपॉर्टेंट बात है इस कॉम्प्रिहेंशन के लिए ऐसा नहीं पूरे दिन का समय मिला है कि बेटा ये आर्टिकल पढ़ो इस इसपे मनन चिंतन करो फिर एक भाष्य लिखना इट्स नॉट लाइक दैट आपको प्रेशराइज सिचुएशन में उस कंटेंट को पढ़ना है और समझना है तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अगली हैं जो आपकी टेस्ट होंगी रीडिंग इस बात की गारंटी नहीं करता कि आपको वो बात समझ भी आ गई है समझना एक इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टूगेदर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के बाद आपकी एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट हो जाएंगे कि आपके पास एनालिसिस की ताकत कितनी है जो आप पढ़ते हैं क्या आप उसको एनालाइज कर पा रहे हैं क्या जैसे किसी भी आर्टिकल के बारे में अगर बात करो तो हर आर्टिकल में एक मेन आइडिया होता है और उसी मेन आइडिया को डिफरेंट थीम्स में वो कैटेगराइज करते हैं जैसे आप एडिटोरियल वाले पेज पर देखते हैं बगल में एडिटोरियल के के पेज पे एक आर्टिकल बड़ा सा आर्टिकल होता है उसमें सात आठ नो पैराग्राफ हो सकते हैं सो डेफिनेटली दैट दैट आर्टिकल इज बेस्ड ऑन वन टॉपिक देर इज वन मेन आइडिया बट इफ देर आर नाइन पैराग्राफ्स मीनस वेर आर नाइन डिफरेंट काइंड ऑफ स्विचिंग्स तो ऑथर ने नौ बार गियर बदला है उस पर्टिकुलर आर्टिकल के राइटर ने बार गियर बदला उसके पीछे क्या कारण है वो आपको समझना होता है कि भाई उसमें इंट्रोडक्शन क्या है एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन का पार्ट कौन सा पैराग्राफ है उस को करने के लिए कहां डेटा कहाजाम्पल्स फैक्ट्स फिगर्स दिए जा रहे हैं फिर कहां पे कंक्लूजन है कंक्लूजन किस तरफ जा रहा है एक बैलेंस्ड आउटलुक देने की कोशिश करी है या प्रो या अगेंस्ट जाने का वो आर्टिकल कोशिश कर रहा है क्या मुझे हमेशा एग्जाम्पल

कि भाई क्या अप्रोच है क्यों इस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं तो जब तक आपको कोई बात समझ नहीं आएगी आप उसे एनालाइज नहीं कर पाओगे तो एनालिसिस की ताकत एनालिसिस की ताकत आपको कौन सी ताकत देती है सिलेक्शन ऑफ डेटा की ताकत देती है जब इतना कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर लिखा हुआ है राइट जैसे अभी हम आर सी के बेसिस की बात कर रहे थे एक बड़ा सा आर्टिकल है लेकिन उस आर्टिकल को आपने एनालाइज करना है जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आधार पे उनके क्वेश्चंस के आधार पर आपको एनालाइज करना है इसीलिए आरसी एक तरह से ईजिएस्ट क्वेश्चन टाइप भी है अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि यह ऐसा क्वेश्चन टाइप है जहां पे दिए गए सारे क्वेश्चन का जवाब उस पैराग्राफ के अंदर ही छुपा हुआ है ये जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्टली कर पाए क्योंकि तो किसी भी अच्छे एग्जाम्स के अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है अब वो वाली बात नहीं है कि राजा का नाम क्या था उनकी कितनी रानियां थीं घोड़े का रंग क्या था ये छठी क्लास का आरसी का पैसेज नहीं है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए इनकी संभावना कम होती है या उनकी संख्या बहुत कम होती है ज़्यादातर क्वेश्चन वट इज़ द मेन आइडिया व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज वट इज द सुटेबल टाइटल क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा क्या गलत है के अकॉर्डिंग क्या सही है नीचे दिए गए पॉइंट्स में से यानी आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश की जाती है आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश की जाती है तो एनालिटिकल स्किल्स के बाद आपके सिलेक्शन ऑफ आप डेटा की पावर चेक होती है और जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन ऑफ डेटा के बाद आपको क्या बात समझ में आएगी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में से कौन सी बात रेलिवेंट है और कौन सी बात इनरेवेंट है यह आपको समझ में आना शुरू होता है और इसके लिए स्किल डेवलप करनी होती है कि इस पूरे आर्टिकल में या ये फिलर का क्वेश्चन है या ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है या ये फॉर दैट मैटर का क्वेश्चन है कौन से ऐसे की हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं कौन से ऐसे की हैं फ्रेजे हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करे वही रेलिवेंट डेटा है बहुत सारा ज्ञान आपको वहां पे दिया जाता है जो इरेवेंट होता है सिर्फ आपको पजल करने के लिए राइट अभी हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे राइट right? कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास है आपकी थोड़ी टेस्टिंग भी होगी यहाँ पे और इन को आपको डिस्कार्ड करना होता है रेलिवेंट डेटा को आप अप्लाई करेंगे और फिर आप सही जवाब लेके आएंगे रिजल्ट लेके आएंगे अब खुद सोचो क्या ये फ्लो चार्ट किसी भी ऐसे प्रोफेशनल का नहीं है जिसका काम डिसीजन लेना है भाई आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोफाइल है आपके सामने बहुत कुछ आएगा कंप्यूटर स्क्रीन है कंपनी की रिपोर्ट्स हैं आप पढ़ रहे हो वहां पे कुछ डिसीजन आपको लेने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के लिए तो जाहिर तौर पे आपके अंदर रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए कि आप ढंग से उसको पढ़ पाएं समझ पाएं समझ पाएं एनालाइज कर पाएं कि कौन सी चीजें इसमें इस समय सही हैं आपके लिए एनालिसिस उसकी करनी की ताकत आपके पास होनी चाहिए उसके बाद वही बात कि आपको उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें रेलिवेंट चीजें बाहर निकालनी पड़ेगी इेलिवेंट को डिस्कार्ड करना पड़ेगा फिर उसको उस खास सिचुएशन में अप्लाई करना पड़ेगा और अपनी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट के लिए प्रॉफिटेबल रिजल्ट लेके आना है सो ऑल दीज पॉइंट्स आर नथिंग बट द स्किल सेट्स ऑफ अ प्रोफेशनल एक अच्छे प्रोफेशनल की ये लाइफ स्किल्स हैं और ये कारण है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी जिसे हम कहते हैं ये जो भी एग्जाम्स की जैसे जैसे एग्जाम्स की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा लेवल बढ़ेगा यहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन टाइप से एक इंसान की एक प्रोफेशनल की सारी की सारी इस तरह की स्किल सेट्स को वो टेस्ट कर सकते हैं किसकी रीडिंग प्रोवेस कैसी है कॉम्प्रिहेंशन कितनी है ये सारी चीज़ें टेस्ट की जा सकती है तो भाई ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कि क्या कारण है आपको समझ में आ गया क्यों प्यार है इससे कि छठी क्लास से शुरू होकर के ये बिल्कुल इंटरनेशनल एग्जाम जी मैट वहां तक ये पहुंच जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे यहां सी में पूछा जाता है अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पहली क्लास है तो अपने आप को भी जरा असेस करें कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं मैं शुरुआत कर रहा हूं पैरासिंबल्स के क्वेश्चन के साथ और बिल्कुल मॉडरेट लेवल टू धीरे धीरे लेवल ऊपर जाएगा मॉडरेट टू हाई की तरफ हम जाएंगे पहली क्लास थोड़ा असेस करते हैं कि आप किस लेवल पे हैं जब भी हम कोई काम शुरू करें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वेयर आई स्टैंड मैं कहां पे हूं और मुझे कहां जाना है फिर दोनों के बीच का गैप आपको पता लगता है एक बार गैप पता लग गया तो फिर आप उसको ब्रिज कर लेते हैं तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है पैराजल का यह बिल्कुल बेसिक एम लेवल के क्वेश्चन की कैटेगरी से बिलोंग करता है जहां वो एक बड़े सेंटेंस को चार टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर आपको ऑर्डर पूछ लेते हैं तो आप जरा मुझे यहां ऑर्डर बता दीजिए इवन ये पैरा जंबल भी नहीं है क्योंकि पैरा जंबल में एक को जंबल किया जाता है यहां एक सेंटेंस के चार टुकड़े किए गए हैं वॉट इज द करेक्ट ऑर्डर ए बी सी डी एंड आई थिंक थर्टी सेकेंड मोर देन एनफ बिल्कुल ज्योति पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए बहुत एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूं मुझे यह बता दो कौन सा इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा चले टाइम इज अप अब इतने डिस्कशन से ही ये बात आपको समझ में आ रही है इतने डिस्कशन से ही ये बात आपको समझ में आ रही है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है आप खुद अपने कमेंट सेक्शन को अगर देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने एक बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया इसका जवाब तुरंत आना चाहिए बट आप यहां पे फंस गए मैंने पूछा किस कौन कौन सा बिल्कुल नहीं होगा तो आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा क्यों नहीं होगा सर ये तो बट से शुरू हो रहा है ये नो यही तो लॉजिक है आपका कि सर ये तो बट से शुरू हो रहा है ये कहां से होने वाला है क्योंकि हम ज्ञानी बहुत हैं हम कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट के ट्रिक्स को रट रट के बैठे हुए हैं और फिर यहाँ पे आपका मामला थोड़ा सा फंस जाता है इंग्लिश बहुत फनी लैंग्वेज इस बात को आप जानते हैं एंड एक्सेप्शन हर जगह पे मौजूद है पहले सबसे पहले इस बात को आप समझो कि जो पेपर सेटर क्वेश्चन सेट करते हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं उनका थोड़ा सा अगर हम अप्रोच समझ पाए ये जरूरी नहीं है कि कोई पैराजल का क्वेश्चन किसी पैराग्राफ की पहली लाइन से ही आपको मिल जाए हो सकता है उस पैराग्राफ में देर आर टेन सेंटेंसेस एंड जो क्वेश्चन आपको मिला वो चौथे सेंटेंस से मिला है चौथा पांचवा छठा सातवां ये चार सेंटेंस उन्होंने पकड़ा उनको ऊपर नीचे किया और आपको क्वेश्चन बना के दे दिया हो सकता है कि वो जो चौथा सेंटेंस ओरिजिनल आर्टिकल में था वो बट से शुरू हो रहा था और उसका शुरू होना बिल्कुल जायज भी था क्योंकि वो चौथा सेंटेंस है उसके पहले बात काफी हो चुकी है अगर वहां पर ट्रांजिशन है तो बट से भी शुरू हो जाएगा लेकिन अगर आपने ये घुट्टी पी ली अपने दिमाग में बिठा लिया कि नहीं नहीं बट से कहां शुरू होता है भाई बट तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाला कंजंक्शन है तो फिर मामला वहां पर फंस जाएगा और आप इसीलिए यहां पर फंस गए करेक्ट आंसर इसका क्या है बट अ मास्टर पीस इज मोर लाइकली टू कम इज मोर लाइकली टू कम ए और डी मैंडेटरी पेयर है और यहां पे आप जाएंगे सी ऑप्शन के साथ जो लोग सी के साथ गए थे वो करेक्ट थे आप देख रहे हैं अपने हाल अब अगर मैं पूछूं कितने परसेंट लोग काफी कम परसेंटेज है इतना आसान क्वेश्चन तो अगर आपको लगता है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर है तो यहां से टेस्ट कर लें पहला सवाल था ये बिल्कुल बेसिक देखने में तो बिल्कुल बेसिक ही लग रहा है अब जरा सेंटेंस का मतलब भी समझ लो ये है रीडिंग का तरीका देखो पैराजम्बल वो क्वेश्चन है ना जो रीडिंग की लॉजिकल अप्रोच को टेस्ट करता है कि जो दिमाग ये पेपर राइट कर रहा है क्या वो भाषा के एक लॉजिकल कॉन्टीन को पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है मैंने क्या कहा अभी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आपकी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स दोनों टेस्ट होती हैं तो पैराजम्बल्स में कॉम्प्रिहेंशन का मामला थोड़ा सा अगर कम भी हो चल जाएगा क्योंकि इसमें गणित ज्यादा है कंजंक्शन का इस्तेमाल है आपके ग्रामर uh, से बहुत मदद मिलती है प्रोनाउन का इस्तेमाल है एडजेक्टिव का इस्तेमाल है दिस दैट दीज दोज सच राइट कंजंक्शंस का इस्तेमाल है तो आर्टिकल uh, uh, का इस्तेमाल है इनसे बहुत मदद मिलती है इस क्वेश्चन में तो यानी एक अगर लॉजिकल अप्रोच से आपको पढ़ने आता है की की पहचान है तो आप पैराजल कर लेंगे जैसे यहाँ पे बट अ मास्टर इज मोर लाइकली टू कम एज द कलमिनेटिंग पॉइंट ऑफ अ लेबोरियस करियर लकी फ्लूक ऑफ अनटॉट जीनियस दिस इज देंटेंस यह सेंटेंस है ए डी सी बी अब मैं अगर पूछूं कि इस लाइन से समझ क्या आ रहा है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन अगला पढ़ाओ तो यह सेंटेंस क्या कह रहा है कि अस्टर पीस इज मोर लाइकली टू कम मास्टर पीस का मतलब आप किसी फील्ड में है किसी क्राफ्ट में है जो आपका सबसे बेहतरीन काम है जो सबसे बेहतरीन काम है वो किस तरह का काम होता है भरे करियर के जब आप पीक पे पहुंचते हैं तब जाकर इस की संभावना ज्यादा है बनस्बत किसके कंपेरिजन में इसीलिए आगे यहां पर लिखा है लकी फ्लू का फंटार्ट जीनस फ्लू फ्लू का मतलब क्या होता है संजोग कि भाई अरे लक था उसका सेटिंग बैठ गई सफल हो गया तो यह कहा जा रहा है कि इसकी संभावना कम होती हो सकता है कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे दिख जाए कि इस आदमी का भाग्य बहुत अच्छा था चमक गया लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता जनरली आपको क्या मिलेगा कि भाई एक मेहनत से भरे करियर के जब इंसान टॉप पे पहुंचता है तब जाकर के अपनी फील्ड का वो मास्टर देता है किसी कलाकार की बात करो आर्टिस्ट की बात करो ये जनरली संभावना इसी की होती वो नकार नहीं रहा इसीलिए लिखा है इज मोर लाइकली यहां पे मोर लाइकली शब्द का इस्तेमाल किया गया मोर आपका कंपेरिटिव एडवर्ब लाइकली एडजेक्टिव हो गया ज्यादा संभावना इसी की है यह इस सेंटेंस का मतलब हुआ बात समझ में आ गई ये पहला क्वेश्चन था झटका लगा ना थोड़ा सा यस ये नो सर पहले क्वेश्चन में झटका दे दिया आपने आओ अब इस झटके के बाद सीखोगे आप मैं वही तो एहसास करा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी आपको परेशान कर जाएंगे कभी भी क्वेश्चन के फेस वैल्यू पे ये मत सोच लो कि आसान होगा ये तो हो ही जाएगा अरे ये तो एक सेंटेंस का चार टुकड़ा है, मैं अरेंज ही कर लूंगा आपको एक अच्छा सा सेंटेंस अगर दे दिया जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है कॉम्प्रिहेंशन वीक है आप समझ नहीं पाते लैंग्वेज को आसानी से तो वहां पर आपको ट्रिक किया जा सकता है आइए अब अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आप आसानी से आंसर कर लेंगे आइए ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन जो आपको एनडीए हो सी हो सी पी ओ सी एच एस एल सी जी एल हर जगह ये मिल जाएगा चार सेंटेंसेस ऑर्डर बता दो क्या है करेक्ट ऑर्डर चलिए टाइम इज अप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन क्योंकि पहले के बाद मुझे थोड़ा सा आपको रिडीम करना था तो व्हाई डू सम सर्वाइव एंड अदर्स बिकम दिस वाज़ द क्वेश्चन दैट डार्विन आस्क्ड हिमसेल्फ राइट हिज आंसर वाज़ दैट देयर इज अ सीजलेस स्ट्रगल फॉर लाइफ अमंग ऑल क्रीचर्स एंड उसके बाद ओनली द फिटेस्ट क्रीचर्स कैन सर्वाइव वाइल कंपीटिंग फॉर फूड तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बी डी सी ए मैंडेटरी पेयर ये टर्म आप जानते हैं पैराजल्स में इस्तेमाल होता है यानी दो सेंटेंसेस जो जरूर एक साथ आएंगे तो यहां पर सवाल पूछा गया कि वाई डू सम सम्पीसी सर्वाइव एंड अदर्स बिकम एक्सटिंक्ट दिस वॉज द क्वेश्चन मैंने अभी क्या कहा दिस दैट दीज दो से बहुत मदद मिलती है ये सवाल था तो सीधा सीधा आपको दिख गया कि बी और डी क्या है मैंडेटरी पेयर है आपको तुरंत नज़र आ रहा है कि भाई बी डी कहाँ पे है बी डी सिर्फ दो ऑप्शन में है तो बाकी तो वैसे ही गायब कर दोगे और फिर आपको दिख रहा है कि ए जो है वो स्टार्टिंग नहीं करने वाला बी ही स्टार्ट करेगा यहां पे तो इवन पूरा क्वेश्चन पढ़े भी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं पैरासिंबल्स में कितना भी लंबा क्वेश्चन हो तीन सेंटेंस की समझ हो गई आप ऑर्डर बना लेते हो काफी हद तक अगर ऑप्शन दिया है तो चलिए आई अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना चार ही सेंटेंस का क्वेश्चन है आंसर है आंसर करें फोर सेंटेंसेस बहुत अच्छी बात है जिसका सही क्योंकि देखो कमेंट्स आ रहे हैं काफी तो मुझे नाम लेने में दिक्कत होगी आप अपना ए बी सी डी बता दीजिए और फाइनल स्कोर बता दीजिएगा जब ये सेशन खत्म होगा कि आप कहाँ पे ठहरते हैं बारह क्वेश्चन है ट्वेल्व क्वेश्चन आर देयर जस्ट गिव योर दिस टारगेट कि मैं मैक्सिमम सही करूँ आर्मी लवर यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं प्रफुल अपने दोस्तों को बुला लो भाई जो यूट्यूब पे देख रहे हैं टेस्टिंग हो जाएगी इसी बहाने मॉर्निंग में और थोड़ा अप्रोच भी समझ आ जाएगा ए बी सी डी लिख दें आप चलिए कैन वी डिस्कस नाउ अब आप देखो कितनी वैरायटी है कितनी वैरायटी है पहली क्लास है हम थोड़ा अपने लेवल को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है डी डी कौन सा सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता सबसे पहले यह देखना है द इन्फ्लुएंस इज रिफ्लेक्टेड यानी किसी खास इंफ्लुएंस की तरफ इशारा कर रहा है बिना उस इंफ्लुएंस के जिक्र के आप द इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते बी ऑप्शन बाहर हो जाता है यानी एबीसीडी नहीं होने वाला आ, उसके बाद क्या लिखा है एंड इवन एज यानी सी से भी शुरू शुरुआत नहीं हो सकती एंड लिखा हुआ है यानी पीछे के साथ हो रही बात के साथ कॉन्टिन्यूशन में और इवन लगा हुआ है यानी उसकी डिग्री को थोड़ा सा अपग्रेड भी कर रहा है एंड इवन एज नेहरू जैकेट्स फिर अब आपके पास च्वाइस क्या है बी और डी इंडियन हॉट पिंक पैप्रिका एंड सेफ्रॉन ये आपको पता है ये एग्जाम्पल्स हैं आप इन जनरल सेंटेंसेस की शुरुआत या पैराग्राफ की शुरुआत जो है सेंटेंसेस नहीं पैराग्राफ की शुरुआत एग्जाम्पल से नहीं करोगे इन जनरल आप इंट्रोड्यूस करते हो एक्सप्लेन करते हो फिर एग्जाम्पल देते हो तो ये भी ओपनर नहीं बन सकता अब हमने क्या समझ ली इस डिस्कशन से बात ए भी ओपनर नहीं हो सकता डी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता हम इस नतीजे में पहुंच गए कि बी पैराग्राफ को शुरू करने वाला है अब आपके पास ये पता है कि दो ऑप्शन है बी के साथ हैं यानी आप बी और डी ऑप्शन को बाहर कर लोगे अब क्या देख रहे हो आप इंक्रीजिंगली द इंक्रीजिंगलीस ऑफ इंडिया कलर्स एंड कट्स कैन बी सीन ऑन वेस्टर्न स्टाइल्स द इन्फ्लुएंस इज रिफ्लेक्टेड द मोस्ट इन बीडेड इवनिंग वेयर तो किसका इंफ्लुएंस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया कलर्स कट कैन बी सीन ऑन वेस्टर्न स्टाइल और इस इंफ्लुएंस की बात कर रहा है द इंफ्लुएंस इज रिफ्लेक्टेड द मोस्ट इन बीडेड इवनिंग वेयर ये इन्फ्लुएंस आपको नजर आता है किसमें ज्यादातर बीडेड इवनिंग वेयर के अंदर यानी बी और ए क्या है मैंडेटरी पेयर है आप ए ऑप्शन पर टिक मार के निकल लोगे बी ए डी सी है यहाँ पे अब उसके बाद आप देखो फिर एग्जाम्पल Uh, Indian hot pink, paprika and saffron continue to be popular colors year in and year out and last May, and even as Nehru jackets and Jodhpur's remain staples of the fashion world designers such as Armani and McFadden have turned to the sleek silhouette of the chudidar this year. So, ये दोनों के दोनों डी और सी अब आपको पता है कि डी के बाद ही C आएगा क्योंकि एंड इवन लगा हुआ है ये example था तो डी और सी भी क्या है मैंडेटरी पेयर बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है विक्रांत हांजी सबका पीडीएफ मिल जाएगा आज ये जो क्लास नोट्स है ना इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी क्लास सेक्शन के बाद आपके आ, करियर वे लैप के ऊपर चलिए तो ये हमें ध्यान में रखना है अब कई बार ऐसा हो सकता है कि पैरासिंबल्स के अंदर जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो आपको बहुत हैवी लग रहे हैं